साथियों, भाजपा आपके परिवार के वर्तमान, आपके बच्चों के भविष्य के लिए काम कर रही है। आपका सपना ही मध्य प्रदेश के मेरे भाइयों बहनों मेरी गारंटी है। आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। इसलिए गरीब से गरीब परिवार को समर्थ बनाना भाजपा सरकार का मिशन है। इसलिए भाजपा सरकार गरीब की हर चिंता का समाधान कर रही है, गरीब की हर छोटी छोटी जरूरत को पूरा कर रही है। जैसे गरीब का बहुत बड़ा सपना होता है कि उसके पास अपना पक्का घर हो। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो गरीबों के घर बनाने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये भाजपा सरकार है जिसने पिछले 10 साल में 4 करोड़ से ज्यादा घर गरीबों को बना करके दिए हैं। 4 करोड़ घर। मध्य प्रदेश में भी करीब करीब 50 लाख गरीबों को पीएम आवास योजना के पक्के घर मिले हैं। यहां रतलाम में भी गरीबों के लिए 90,000 घर बनाए गए हैं। ये लाखों रुपए के घर हैं और इनमें से अधिकतर घरों की रजिस्ट्री बहनों के नाम पर हुई है। और अब हमारा मध्य प्रदेश तो जब भी बहन याद करो तो मामा याद आ ही जाता है। यानी यहां की हजारों महिलाएं लखपति बनी हैं, उनके नाम पर पहली बार कोई संपत्ति हुई है। हमारे शहरों में रहने वाले मध्यम वर्ग के लोगों का अपने घर का सपना पूरा हो, इसके लिए भी केंद्र सरकार पूरी गंभीरता से काम कर रही है। जिसकी 18 लाख रुपए की आय है उसे घर खरीदने पर ब्याज में छूट देने वाली योजना चलाई जा रही है। और इस देश में आजादी के इतने सालों के बाद भी मध्यम वर्ग के लिए, शहरी मध्यम वर्ग के लिए किसी सरकार ने योजना नहीं बनाई थी। ये मोदी पहला प्रधानमंत्री है जिसने इसकी चिंता की। इस योजना का लाभ लेने वाले मध्यम वर्ग के हर परिवार को लाखों रुपयों की मदद हो रही है। मेरे परिवारजनों, जब मैं गरीबों की बात करता हूं तो इसमें भी सबसे बड़ी संख्या मेरे दलित भाई बहन, मेरे पिछड़े भाई बहन और मेरे आदिवासी परिवारों की रही है। ये भाजपा ही है जिसने कोरोना के संकट काल में भी गरीबों को मुफ्त राशन देने की योजना बनाई, एक वक्त के खाने भी किए। भूख क्या होती है ये गरीबी से निकला व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। देश की किसी मां को, किसी पिता को अपने बच्चे को भूखा ना देखना पड़े, आज मोदी इसकी गारंटी बन गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश में पिछले 3 साल से गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। मुफ्त राशन से जुड़ा एक और निर्णय, और मोदी तो गरीबी से निकला है ना, तो उसे मालूम है। और मेरा एक और निर्णय है, मेरा और एक निश्चय है,
वैसे तो ये योजना एक महीने के बाद उसका समय पूरा हो रहा है। 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना दिसंबर में पूरी हो रही है, लेकिन मोदी का निश्चय है आने वाले 5 साल के लिए इसको बढ़ाया जाएगा। आने वाले 5 साल तक 80 करोड़ मेरे देशवासियों का चूल्हा जलता रहे, ये मोदी की गारंटी है। और अब ये योजना 5 साल के लिए आगे बढ़ेगी, गरीबों को राशन मुफ्त में मिलता रहेगा, उससे जो पैसे बचेंगे वो जीवन की और आवश्यकताओं के लिए मेरा गरीब लगाएगा। देश के हर गरीब को, हर माता बहन को मोदी जब गारंटी देता है ना, तो गारंटी पूरी करने की गारंटी भी साथ देके आता है।